मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो हो गयो भव से पार। ब्रज का हर वृक्ष देव है, हर लता देवगना है, हर स्थल पावन कुंड और श्री प्रियतम ब्रज गोपियों के नित्य निकुंज लीलाओं के साक्षी हैं। यह कहना है मणिपुर के महाराजा ऐरावत एवं अहोई अष्टमी स्नान व ब्रज दर्शन को हजारों मील यात्रा कर राधाकुंड पहुंचे सैकड़ों मणिपुर भक्तों का। ब्रज की भक्ति मणिपुर के सैकड़ों भक्तों पर ऐसी चढ़ी कि हजारों किलोमीटर दूर से भी राधे कृष्ण भक्ति में रचने बसने व ब्रज भूमि को नतमस्तक करने के लिए मणिपुर के महाराजा ऐरावत के नेतृत्व में सैकड़ों मणिपुर भक्त अहोई अष्टमी स्नान करने व ब्रज दर्शन को राधाकुंड पहुंचे हैं। राधाकुंड की टंकी गली स्थित राधा गोविंद मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा, मणिपुर नृत्य, भजन संकीर्तन आदि देवालयों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मणिपुर के महाराजा ऐरावत ने बताया कि मणिपुर के हालात बहुत खराब होने के बावजूद भी सैकड़ों भक्तों की राधे को भक्ति खींच लाई। यहां अहोई अष्टमी स्नान कर ब्रज दर्शन करेंगे। फिलहाल मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। लगभग 60-80 ऐसा में होगा तो मालूम नहीं। सभी अष्टमी स्नान के लिए आए हैं? हाँ, स्नान के लिए, भागवत सप्ताह के लिए। भागवत सप्ताह हो रहे थे, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं? हाँ जी, भजन संकीर्तन भंडारा। हाँ, भजन संकीर्तन होता है, आते हैं, आसो नहीं होते है क्योंकि स्नान के लिए बहुत धूमधाम कर रहा है। जोवी देवी, कहाँ से आए? मणिपुर से आए। कितने भक्त आए हैं? हम लोग अभी इस वक्त इस समय हम लोग करीब करीब 7 लोग हैं जो कि मणिपुर से आए हैं। सभी लोग यहाँ पे अहोई अष्टमी के लिए हर साल हम लोग आते हैं, तो इसी तरह इस साल भी हम लोग अहोई अष्टमी के लिए राधा रानी की पवित्र जगह पर हम लोग स्नान के लिए और राधा रानी के दर्शन के लिए आए हैं। वैसे तो हाँ जी, वैसे तो पिछले साल और मतलब सालों से हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, पर हजारों के तादाद में आते हैं पहले तो, पर अभी मणिपुर का स्थिति ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, इसके वजह से ज्यादातर लोग नहीं आ पा रहा है। अरे मंदिर में क्या कार्यक्रम हो रहा है? मंदिर में अभी जो भागवत कथा चल रहा है, पिछले 7 दिन से चल रहा है, और इसके साथ साथ भंडार चल रहा है और कीर्तन, और हमारा यहाँ पे रोज होता है। उसके साथ साथ जितने भी भक्त वैष्णव यहाँ पे हैं मणिपुर से, जो लोग आते हैं और बाहर से भी इकट्ठे हम लोग यहाँ पे हैं, और हम लोग कीर्तन कथा सुनते हैं और साथ में हम लोग कीर्तन भी करते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की टीम से संपूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण, पेट रोग, हृदय रोग, मूत्र रोग, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग का इलाज उपलब्ध है। साथ ही कैंसर के इलाज के लिए उत्तर भारत की सबसे आधुनिक पेट स्कैन और रेडिएशन मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपनी इलाज से जुड़ी जानकारी या परामर्श के लिए संपर्क करें। नियो न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज नियो न्यूज हर पल की खबर को लाइक करें।